मोजा उतार लेते हो? मोजा उतार के जाते हो? मोजा भी उतार लेते हो? फिर कहाँ पहनते हो जाके? वहाँ पे जाके जहाँ सूखा होता वहाँ पहन लेते हैं। क्या पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई में पढ़ाई अच्छी लगती है। ऊपर से पैसे मांगेगा, सरकार इतना देती फिर भी कम पड़ जाता उनके लिए। बारिश पड़ जाता है तो छत पे खेलने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ जितेंद्र कंबल। हम हैं कानपुर में वार्ड नंबर 16 के परमपुरवा में हैं। यहाँ पर राकेश पासवान जो हैं भाजपा से पार्षद हैं, और जो गली के हालात ये हैं, यहाँ पर बारिश में पानी लबालब भर जाता है। तो हम उन नौनहाल बच्चों से बात कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ों की रिपोर्टिंग तो सभी दिखाते हैं, मैं छोटों को आज रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ कि ये वाकई में बारिश के मौसम में किस तरीके से अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। इन ये बच्चे छोटे छोटे हैं, आप इनको देखिए, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और नौनिहाल है। इनका खेलना भी तो ज़रूरी है, लेकिन उस मौसम में जब यहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है, तब ये बेचारे किस कैसे खेलते होंगे, कैसे विद्यालय जाते हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक एक करके बात करना है। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। अच्छा, कितने में पढ़ते हो? थर्ड क्लास में हो। देखा, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सभी के थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। थर्ड में पढ़ते हो? अच्छा, अभी तो बारिश का पानी भरा नहीं है। बारिश अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ बारिश में पानी भरता है? भर जाता है? कहाँ तक भर जाता है तुम्हारे? यहाँ तक। ओ, वो तो कहाँ तक जाता है? यहाँ तक। तो तुम कैसे जाते हो स्कूल? फिर मोजा उतार लेते हो? मोजा भी उतार लेते हो? फिर कहाँ पहनते हो जाके? वहाँ पे जाके जहाँ सूखा होता वहाँ पहन लेते हैं। वहाँ पे जाके पहनते हो जाके? तो रोज यही काम करते हो फिर? जब बारिश होती तब। जब पानी भर जाता है तब। हाँ, देखिए, जब बारिश का पानी भर जाता है तो ये कह रहा है कि यहाँ से हम जूता और मोजा उतार के ले जाते हैं और आगे जहाँ पर सूखा होता है, पानी नहीं भरा होता है, वहाँ पे जाके पहनता है जाके। तो इतनी कष्ट में ये पढ़ाई कर रहे हो। पार्षद महोदय नदारद रहते हैं, उनको ये बच्चों की भी समस्या नहीं दिखाई पड़ती है। चलो किसी और से भी बात करते हैं। और इधर आओ, वो भाग गया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नीशु। किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? फाइव में। तो क्या पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई में पढ़ाई अच्छी लगती है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ने जाते हो, अभी तो देखो बारिश का पानी भरा नहीं है, रोड पे यहाँ पानी नहीं भरता है कभी की नहीं भरता है? जी भरता है। तब कैसे जाती हो? जूते उते उतार के, आधे आधे पाँव भर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। ओहो, तो तुम भी ऐसे जूते उतार के बाहर तक जाती हो, इसके बाद वहाँ से पानी वहाँ दूसरी जगह पहनती हो जाके? कभी गिरी तो नहीं यहाँ पे? गिरे बहुत बार। तो देखिए, ये है, ये छोटी बच्ची है जो कह रही है कि नहीं, हम बारिश के पानी में भी उसी तरीके से जाते हैं, घर से बढ़िया वेल ड्रेस्ड होके निकलते हैं, लेकिन बारिश के पानी की वजह से जूते और मोजे हाथ में लेके जाते हैं, जो ज़मीन पे पैरों में पहने जाने चाहिए लेकिन वो हाथ में लेके निकलते हैं। और भी बच्चे हैं हमारे साथ। ये बच्ची है एक। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, सीधे सीधे सवाल यही है बेटा, बारिश में पानी भरता है यहाँ पे? बिल्कुल भरता है, सफाई वाले बिल्कुल सफाई नहीं करते। कहो तो कहते पैसे दो, मसाला खिलाओ, बच्चों से ये सब बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। और वो बच्चों से बोलते हैं जी, यस हम लोग उसे बोलते हैं, और बोलते कि कूड़ा डलवाओ तो कहेंगे नहीं डलवाएंगे। बताइए घर में कितने दिन तक रखे थे, घर में बीमारी फैलेगी, इसीलिए नहीं डालते हम लोग, बाहर फेंक देते हैं। कूड़ा आप लोग बाहर रख देती हो? यस, बाहर फेंक देती हो? यस। और लेकिन वो सफाई कर्मी आके कूड़ा नहीं उठाता है? नहीं उठाता है। और ऊपर से पैसे भी मांगता है? हाँ, ऊपर से पैसे मांगेगा, सरकार इतना देती फिर भी कम पड़ जाता उनके लिए। अच्छा, उनको सरकार इतना देती है फिर भी कम पड़ जाता है, आप लोगों से पैसे मांगते। ये गंभीर आरोप बच्ची ने लगाया है कि अक्सर होता क्या है कि जब आते होंगे तो गार्जियन घर पे नहीं रहते हैं, ऐसी बस्ती में होता है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी कमाने के लिए बाहर जाती हैं कि किसी तरीके से उनका परिवार चल सके। तो इन बच्चों से ये मांगते हैं पैसे कि कूड़े के लिए और नाली साफ करने के लिए पैसे मांगे। तो बेटा ये बताओ,
कितना पैसा मांगते हैं लगभग तुम लोगों से? कहते दो सनके खिलाओ या 50 रुपए दो। दो एसएनके खिलाओ या 50। एसएनके जानती हो क्या होता है? यस जानते, मसाला होता है। मसाला होता है, हाँ। तुमसे कहते हैं कि या तो दो मसाले खिलाओ या 50 रुपए दो, तो फिर अक्सर आप लोग क्या करते हो? फिर हम लोग ना पैसे देते ना मसाला खिलाते, कहते मेरे पापा से बोलना। पापा से बोलते हो? पापा से नहीं बोलने आते? पापा से नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप लोगों से बोलते हैं। हम ही लोगों से बोलते हैं। स्थिति बहुत, क्या किसी सफाई कर्मी का नाम बता सकती हो जो अमूमन यहाँ पे निकलता हो उसका नाम? नाम नहीं, हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रखते उनके नाम, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। कभी आप बड़ी हो, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं या जाते हैं, तो गिरते हुए देखा कभी इन लोगों को? जी शुरुआत में गए हो, यूनिफॉर्म में हो, वेल ड्रेस्ड हो, इसके बाद? हाँ, हम अपने भाई बहन को लेने जाते हैं, मतलब कभी बारिश होती है तो वो जूते मोजे उतार के आते हैं, बैग हाथ में लेके आते हैं, और कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। गिर भी जाते हैं, यस। ये तो, ये फिर से बता दूँ, वार्ड 16 में हूँ, परमपुरवा वार्ड है। यहाँ पर कहूँगा दिखाइए रोड जो अभी एकदम सूखी दिख रही है, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है और ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो जूता और मोजे अपने हाथ में लेके जाते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, रिजवान स्कूल जाते हो? कितने पढ़ते हो? फोर्थ में। फोर्थ में पढ़ते हो, तो कैसे जाते हो जब यहाँ पे बारिश का पानी भर जाता है? हम नहाने रहते हैं। हम नहाने रहते, पीछे रहते हैं। ये यहाँ रहता नहीं है खैर, लेकिन बच्चों की संगत में यहाँ पे ये खड़ा हो गया है आके, बस ये बात है। आपका हो गया क्या? अच्छा, शर्माते भी हैं बच्चे यहाँ पे। दो ये और खड़े हुए हैं, भाग रहे हो क्या? क्या नाम है? गौरव। गौरव नाम है, यही रहते हो? पता चला पीछे कौन वाला घर है? आगे यार। अभी आपसे बात करते चाचा, अभी बात कर रहे हैं, आगे घर है। तो स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो जब यहाँ पानी भरा रहता है? यहाँ पर पानी भरा रहता है, गंदगी मच जाती है पूरी। यहाँ पूरी गंदगी मच जाती है? हाँ। कैसे जाते हो फिर, मजा के? हाँ। और जूते वूते कहाँ रखते हो? जूते हाथ में ले लेते हैं। हाथ में लेते हैं, चप्पल पहनते हैं। चप्पल पहन के जाते हो? तो देखिए कमोबस स्थिति वही है, सभी बच्चे वही कह रहे हैं कि कहाँ पे। ए छोटू इधर आओ, क्या नाम है? संस्कार। संस्कार, तुम्हारा नाम यार बहुत अच्छा है, किसने रखा? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने रखा है। अच्छा तुम पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। अच्छा खेलते कहाँ हो यार फिर, जब बारिश वरिश यहाँ पानी भर जाता है तो? बारिश पर जाता है तो छत पे खेलने जाते हैं। और नीचे नहीं खेल पाते हो? मजा नहीं आता फिर? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता। खेलते खेलते गिर जाते हो क्या? नहीं, पानी भरा रहता है तो थोड़ा जहाँ पे सूखा रहता है वहीं पे खेलते हैं। अच्छा जब बारिश पानी आता है, मच्छर आते हैं कि नहीं आते हैं? आते अभी हैं। मच्छर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? नहीं अभी, नहीं लग रहे अभी, तो मतलब ठीक चल रहा मामला है। चलो तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं और इसके बाद खेलने के लिए अपने छतों का सहारा लेते हैं, नीचे खेलने के लिए भी नहीं आ पाते। तो चलिए, कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। आप बड़ों को बोल सकते हैं कि उन्होंने बातों को बना के बात करी हो और गलत बोला हो, लेकिन कम से कम ये बच्चे तो सही बोल रहे हैं। ये इनके पास बनावटी शब्द तो होते नहीं है, तो ये अपनी बातों को एकदम स्पष्ट, एकदम सही, बिना दिमाग लगा के बोलते हैं। इनका कहना है कि बारिश का पानी भर जाता है, लेकिन स्थिति वो इतनी गंभीर है कि पार्षद साहब सुनते नहीं हैं, सफाई कर्मी भेजते हैं। तो बिटिया ने बताया कि पैसा और SNK, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ SNK का, SNK वो लोग मांगते हैं, मतलब एक मसाला मांगते हैं, दो पुड़िया मसाला खिलाइए तब आपका कूड़ा वहाँ से उठेगा। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।